जो हम हिंदू लोग हैं, हमारे पास और क्या है? एक चीज है पवित्रता हमारी। उस पवित्रता को खंडित करने का प्रयास जाने कब से हो रहा है कि ये कोई षड्यंत्र है जो हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए अब ये हमारी मांग है, पूरे देश के धर्माचार्य खड़े हों और जहां जहां सरकार मंदिरों में आकर के व्यवस्था करने लग गई है, अगर उसको गल्ले का पैसा गिनना है तो वो गिनने दो, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे अभी। अगर कोई व्यवहारिक व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था करनी है लोगों के आने जाने की, वो करने दो, लेकिन जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, पूजा की, पाठ की, राग की, भोग की, वो धर्माचार्यों के नियंत्रण में और उनकी देखरेख में ही होनी चाहिए। हम अयोध्या जी आए हैं क्योंकि हम जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन इस समय देश में चल रहा है, उसी के अंतर्गत गौ माता की जो चर्चा है, उस चर्चा को पूरे देश में एक रूपता प्रदान करने के लिए भारत के सभी प्रदेशों की राजधानियों में जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करना चाहते हैं और उसका जो कार्य है, ये जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए आशीर्वाद लेने के लिए हम इस समय भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या जी आए हैं। कल प्रातःकाल यहां हमें दर्शन पूजन करके, संतों से चर्चा करके, क्षीरेश्वर महादेव का अभिषेक करके मध्यान्ह में 12 बजे अभिजित मुहूर्त में हम रामकोट की परिक्रमा करेंगे, भगवान की जन्मभूमि को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गौ ध्वज की स्थापना करेंगे और इसके बाद यहां से हम यात्रा आरंभ करके निकल जाएंगे। उद्देश्य बताया ना कि पूरे देश में जो गाय का मामला है, हर प्रदेश में अलग अलग कानून गाय के बारे में बनाया जा रहा है। कुछ प्रदेशों में गाय के बारे में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, कुछ में 2 साल की, कुछ में 3 साल की, कुछ में 6 महीने की, कुछ में बिल्कुल नहीं और कुछ में तो विरोधी वातावरण है। तो एक देश कैसे माना जाएगा जब एक मामले में हर प्रदेश की भावना ही अलग अलग है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि पूरे देश में गाय की चर्चा आरंभ होनी चाहिए और उसी के लिए जो बहुसंख्यक लोग यहां पर निवास करते हैं, उनकी भावना हर प्रदेश में जानी चाहिए और लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो बहुसंख्यक हैं उनकी ये भावना है और इसीलिए इसको कानूनी जामा भी पहनाना चाहिए और इस बारे में प्रयास भी करना चाहिए। हम आज सायंकाल ही 5 बजे यहां से राम हर्षणम से निकलेंगे और पहले हनुमान जी जाएंगे हनुमानगढ़ी में, वहां दर्शन करेंगे, फिर वहां से जो हमारे पुराने प्रेमी रहे हैं ज्ञानदास जी, वहीं पर हनुमानगढ़ी में ही वो हैं, उनका स्वास्थ्य देखेंगे। उसके बाद हम कनक भवन जाएंगे। कनक भवन वो स्थान है जहां पर वशिष्ठ गद्दी के जो महंत जी थे वो कभी दर्शन करने नहीं जाते थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप दर्शन करने क्यों नहीं जाते हैं। वो बोले, हम वशिष्ठ के स्थान पर बैठे हैं, हम वशिष्ठ हैं, हम जाएंगे तो बेचारे को राम को खड़ा होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, हम नहीं चाहते हैं इसलिए हम नहीं जाएंगे। और बाद में जब उनका शरीर छूटने वाला हुआ तो लोगों ने कहा, इन्होंने जीवन पर्यंत भगवान का दर्शन नहीं किया, दर्शन करा दें, तो उनको लेकर के गए और बताते हैं कि जिस समय उनको भगवान के सामने ले जाया गया, भगवान की मूर्ति झुक गई। तो वो पवित्र स्थान है, उस स्थान पर जाकर के हम दर्शन करेंगे। उसके बाद जो आरती घाट है वहां जाकर के सरयू माता का पूजन करेंगे, आरती में भाग लेंगे और कल सवेरे क्षीरेश्वर महादेव का दर्शन करके और परिक्रमा करते हुए रामकोट की गौ ध्वज की स्थापना करते हुए यहां से प्रस्थान करेंगे। रामलला का ही तो रामकोट है, उन्हीं की परिक्रमा करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे और मंदिर अभी बन रहा है, आप लोगों को विदित है, बन जाएगा। बनने के बाद हमने पहले ही कहा था कि दो ही बातें हैं भगवान श्री राम के सामने जाने में, एक बात यह है कि मंदिर पूरा निर्मित हो जाए तो जाया जा सकता है, लेकिन हमने बहुत पहले ये घोषणा कर रखी है, आप लोग याद नहीं रखते हो, कि हम तब अब राम जी का दर्शन करने उनके सामने जाएंगे जब राष्ट्रमाता के रूप में गौ घोषित हो जाए, तो राष्ट्रमाता का दूध कटोरे में दूह करके उसका भोग लगाने के लिए भगवान के सामने जाएंगे। तो जितनी जल्दी, ये हमारी भी टेक है, अभी हमने बताया ना कि वशिष्ठ गद्दी वाले महंत जी की टेक थी कि हम जाएंगे तो ये होगा, उसी तरह से हमारी भी टेक है कि हे भगवान, अगर आप आए हैं, आप भी प्रधेन सुर संत हित आए थे, तो हमारी गाय आज अपमानित हो रही है, उसके लिए शक्ति प्रदान करो, समाज जागे ताकि हम अपनी गौ माता की पुनः प्रतिष्ठा कर सकें और राष्ट्र माता के रूप में जो गाय घोषित हो उसका दूध लेकर के आपको भोग लगाने के लिए आ सकें। तो हमारी भी भगवान से टेक है और हर भक्त को अपने भगवान से टेक करने का अधिकार है, इसलिए हम अपना जो हृदय का सम्मान है वो पूरा व्यक्त करेंगे, लेकिन गौ माता राष्ट्र माता के रूप में घोषित हो उनका दूध लेकर के ही वहां जाएंगे।
भाई शिखर की बात तो हमने शास्त्रीय बताई, ये जो बात है ये हमारी भावना की बात है, और जो शिखर की बात है वो शास्त्रीय बात है, क्योंकि जब मंदिर में कोई जाता है तो मंदिर पूरा निर्मित हो, उस पे शिखर हो, उस पे ध्वजा हो, तभी जाता है। तो वो समय आ जाएगा, निर्माण कार्य तो निरंतर चल ही रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं, कोई समय आ जाएगा। लेकिन हमने ये जो बात बताई ये हमारी भावना है कि हम राष्ट्र माता का दूध लेकर के जाएं, क्योंकि देखिए जन्मभूमि है और जन्मभूमि में भगवान श्री राम पधारे हैं तो उनका शिशु रूप है, और शिशु रूप है तो उनको दूध का भोग लगेगा। अब दूध जो है जो हम पी रहे हैं वही भगवान को, तो हम चाहते हैं कि राष्ट्र माता का दूध लेकर के उनके सामने जाएं, भगवान का आशीर्वाद भरपूर मिले कि हाँ कुछ करके आया बच्चा मेरा। अंतिम सवाल महाराज जी है, तिरुपति बालाजी का मामला जो सामने आ रहा है उसमें मांस भी है, शोर की चर्बी है, गौ की चर्बी है, क्या कहना है इस तरीके का मामला सामने आया? गंभीर मामला है, गंभीर माने बहुत गंभीर मामला है ये। जब जो हम हिंदू लोग हैं हमारे पास और क्या है, एक चीज है पवित्रता हमारी, उस पवित्रता को खंडित करने का प्रयास जाने कब से हो रहा है। पुराने जमाने में भी यही होता था कि कुएं में मांस डाल दिया जाता था और कहा जाता था कि अब आप लोगों ने मांस वाला पानी पी लिया इसलिए अब आप लोग पवित्र नहीं रह गए, इसलिए अब आपको हिंदू धर्म से निकल करके हमारे धर्म में आ जाना चाहिए। तो ये बहुत पुराने समय से होता चला आया है, इस तरह की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है क्योंकि तिरुपति जैसे स्थान में जहां पर कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों के की आस्था को चोट पहुंचाने का और उनकी पवित्रता को खंडित करने का ये प्रयास किया गया है, इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, दुर्लभ मामला है, और इसमें तत्काल जांच होकर के तत्काल दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ धर्माचार्यों को अब अपना दायित्व तो संभाल करके वहां पे खड़े हो जाना चाहिए। सरकार जो है वो भोगराग नहीं देखेगी, सरकार जो है वो धार्मिक परंपराएं नहीं निभाएगी, सरकारी कर्मचारी जो है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, जो नेता हैं मंत्री हैं वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, धार्मिक परिसर में व्यवस्था करने का उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है, और अब तो इस तरह की घटना हो जाने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए अब ये हमारी मांग है पूरे देश के धर्माचार्य खड़े हों और जहां जहां सरकार मंदिरों में आकर के व्यवस्था करने लग गई है अगर उसको गल्ले का पैसा गिनना है तो वो गिनने दो, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे अभी। अगर कोई व्यवहारिक व्यवस्था भौतिक व्यवस्था करनी है लोगों के आने जाने की वो करने दो, लेकिन जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं पूजा की पाठ की राग की भोग की वो धर्माचार्यों के नियंत्रण में और उनकी देखरेख में ही होनी चाहिए। भाई सवाल ये है कि पूरे देश के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने भी वो लड्डू खा लिया अब हम क्या करें, अब हम भी अपवित्र हो गए। तो हमारा यही कहना है, हमने प्रायश्चित बता दिया है कि देखिए यत् त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य धत्यग् निरेवेंधनम। हमारे यहाँ पहले से शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि अगर कुल चूक से कोई दोष शरीर में प्रवेश कर जाए और अस्थि में भी चला जाए, माने पहले रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि ऐसे बनता है, अगर वो हड्डी तक भी पहुंच गया है तब भी पंचगव्य में वो ताकत है, जैसे आग में ईंधन डालने पर ईंधन को आग समाप्त कर देती है उसी तरह से अगर पंचगव्य का पान कर लिया जाए तो अंदर छुपा हुआ पाप नष्ट हो जाता है। तो पहले तो पंचगव्य का प्राशन करिए और गौ मतदाता बनने का संकल्प लीजिए कि अब हम जब वोट देंगे तो उसी को वोट देंगे जो गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका होगा। तो ये दो काम करने से गौ माता आपके पाप को हटा सकेगी। हाँ जी, रामलला को देखिए ये तो कोशिश तो है ही है, अब तो ये बात साफ आ गई ना कि ये कोई षड्यंत्र है जो हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने के लिए प्रयास कर रहा है और उसको सरकारें और अधिकारी बढ़ावा दे रहे हैं। आके बताइए, हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हमने तिरुपति मंदिर में दान कर दिया, किसने किया? हम सनातन धर्मियों ने किया। 11,000 किलो से ज्यादा सोना हमने आपको दे दिया, जाने कितनी भूमि हमने आपको दे दी, जाने कितने भवन और एसेट आपको दे दिए, ये सब क्यों दिया हमने? इसलिए कि जब भगवान का भोग बनाना हो तो आप जो है खरीद करके बाजार का घी लाओ, क्यों नहीं तिरुपति का मंदिर, क्यों नहीं वहां की टीटीडी अपनी गौशाला बनाती है जिसमें शुद्ध वेद लक्षणा गायें रहें, क्या कमी है आपको? आप उनको रखिए, जितनी संख्या की जरूरत हो उतनी संख्या में रखिए और उनका दूध हो उससे घी निकाला जाए और उस घी से भगवान का लड्डू बने और पूरे देश में वितरित हो।